कोई सलमान खान हो, किसी को कोई माफ नहीं करेगा। ये भी जरूरी नहीं है भाई लॉरेंस मार देगा। अपराधी अपराधी होता है, कोई भी अपराधी कहीं भी माफ करने कोई जगह नहीं। अटो आधो किलोमीटर ला रहे गोली चलाई अटे खींच लाया तो। आप जा हिरण सुई तो प्रेम क्यों करो आप? मुसलमान है जो कोई शिकार खेलने के लिए आयो, यहाँ शिकार खेलने का आया तो दो गोली चली पहली। समाज में जीव हत्या ही तो अपराध है। सलमान खान की गाड़ी माता आप लाठी वगैरह लकड़ी भाई क्या भाई लॉरेंस है जो कोई मार दे रोज तो आम बिश्नोई समाज में पैसा पार्टी है पैसे के लिए दुनिया सब मरती है। समाज माफ कर सकता है बाकी माफ करने वाला तो कोई है नहीं। लगातार आज 25 साल हो गया है लेकिन कोई खास निर्णय आज तक आयो नहीं है। जो ये भौतिक चकाचौंध में सुख सुविधाओं के लिए कर रहा है ये गलत है। इसमें प्रकृति में बहुत बड़ी विकृति आएगी। जीव जंतु प्रकृति संतुलन के लिए पेड़ पौधों का होना जरूरी है। डाउनलोड डीप 11 फैंटेसी ऐप नाउ। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. नमस्कार, राम राम सा। मैं महिपाल सिंह दड़ोक, कैमरामैन देवी सिंह रहते। आज मैं खड़ो हूँ जोधपुर जिले के कांकाणी गांव में। अटे आज 25 साल पहला एक कांड हुयो, एक शिकार प्रकरण हुयो काले हिरण रो। उन मामले मायने आज तक सलमान खान पेशी में जाया करे, अभी इन्हें सजा भी हुई है। और पर्यावरण प्रेमी और वन्य जीव प्रेमी एक कौम है विष्णुई समाज, बात समाज सलमान खान आचार्य है कि वह या तो माफी मांगे या कोर्ट है आप सलमान खान ने सजा देवे। विष्णुई समाज की तरफ अटकाले हिरण रो जो स्मारक बनायो है वह आई जगह है जटे सलमान खान इन हिरण रो शिकार करियो हो। लगातार आज 25 साल हो गया है लेकिन कोई खास निर्णय आज तक आयो नहीं है कोर्ट की तरफ। तो विष्णुई समाज रा लोग है या एक गैंगस्टर है लॉरेंस विष्णुई, वे भी सलमान खान ने धमकी दे रहा है कि इन प्रकरण बारे में बेन कोई सजा नहीं हो रही, धमकी दे रही है, मार नहीं रही। आ समाज रा जो मौजूद लोग है बे कहीं चावे बेन माफ करना चावे या सजा रो वेट करे। पूरी बात अपारा अटेरा जो मौजूद लोग है बुजुर्ग लोग है बेहू पूछा कि आज 25 साल पहला अट कहीं केस हो, कहीं कांड हो, किकर हो मामलो तो तूल मत आयो। नमस्कार। नमस्कार सर। कहीं नाम आप रो, क्यों गांव है? लादुराम नाम है, गांव काकाणी है। कहीं मामलो हो 1998 में कहीं कांड हो तो? कांड कहीं कोई ऐसा मुसलमान है जो कोई शिकार खेलने के लिए आयो, यहाँ शिकार खेलने का आया तो दो गोली चली पहली ना मालूम पड़ियो, तीजी गोली में माने मालूम पड़ियो तो फिर बाद में आगती पागती वाला जो मैंने कहे भाई दौड़ना आया तो इन खींच के लावे आया गाड़ी में नेकने के लिए, एक गाड़ी में डाल दियो और आवता आते समय गए मोह हमें लाठी पटकी गेडी मारी के गाड़ी माते पे कूद फूनू फद गया निकल गए यहाँ। अच्छा, गाड़ी माते सलमान खान की गाड़ी माते आप लाठी वगैरह? दो लकड़ी भाई बस। अच्छा, दो लकड़ी है मोह कांच फूटो को नहीं हैं जीते है जो ड्राइवर ऊंची यार उठा ली गाड़ी। अच्छा, वो एन उन गाड़ी में जो एन गाड़ी में हो ठीक है नहीं, फिर बाद में गाड़ी को पतो नहीं लगो इंग है जगह में पैसा पार्टी है पैसे के लिए दुनिया सब मरती है ठीक है न, और समाज के लिए धर्म के लिए कोई नहीं मर ये बात है। एक और भाई साहब है बेहू बात करा कि अठी जा स्मारक क्यों बनाई है, दूसरी जगह क्यों नहीं बनाई है, कई मामलो है? ओ अटो आधो किलोमीटर ला रहे गोली चलाई अट खींच लाया अट तक वो हिरण जिंदो, भावी पीढ़ी ने आ चीज की जिम्मेदारी देवन वास्ते वो स्मारक बनायो के भाई अपनी भावी पीढ़ी है वो जीवन की सुरक्षा करे ठीक है। और सलमान को मामलो है तो चले कोर्ट में, लोग के धमकी दी है बो दियो है तो आखिर माफ करी तो समाज करी मुकाम मंदिर करी, चलो लॉरेंस की बात चले के भाई लॉरेंस है जो कोई मार दे रोज तो आम विष्णुई समाज में है। वो कोई जरूरी नहीं है भाई लॉरेंस अकेलो ही फैसले ले, पूरो समाज फैसलो ले। ये भी जरूरी नहीं है भाई लॉरेंस मार देगा, मारनिया समाज के में किन्नी कोई काल ऊट को तो आम आदमी मार सके, मारन की कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों कि राजा महाराजा की टेम गए मैं भी विष्णु यहाँ 363 आदमी आपका गड़ा कटा दिया तो अब तो आजाद भारत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आखिर समाज के आगे झुकेगा तो ये निर्णय होगा, नहीं निर्णय होना नहीं है। अब देखो चलता है कितने दिन चलेगा, चलने दो ये मामला है। 2-3 दिन मैंने जेल हूँ लॉरेंस विष्णु इंटरव्यू आ रहा है जो एक गैंगस्टर है, वे कह रहा है कि आप लक्ष्य बना लियो एक एम बना लियो है कि मैं सलमान खान ने मारूं और मारने बाद में ही दम लेऊं। तो आपने कहीं लगे कि सलमान खान ने मारने ही इन चीजों समाधान हुई? नहीं नहीं, मारनो कोई समाधान नहीं है। तो देखो समाज जो भी निर्णय ले जगह समाज ले वो भी समाज में तो डोले भाई मारो बोर्ड निज मीनर मुकाम है
भी मुकाम मत आन भले या माफी मांग ले, समाज भी ने गयो कर दे तो कोर्ट भी ने बरी कर दे, समाज भी बरी कर दे, ठीक है नहीं। और मारनू कोई भी समाधान नहीं निकले, समाज माफ कर सकता है, बाकी माफ करने वाला तो कोई है नहीं। रही बात के भाई इनको धमकी मिल रही है मार देंगे, तो हम तो जीव हत्या के खिलाफ है, मारना तो हम चाहते ही नहीं है। राम राम है भागीरथ, और आप देख रहे हो जलकू बीकानेर, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अब ठीक मैं मुक्ति धाम मुकाम पहुंच चुके हूं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, हनुमान राम बिश्नोई, कार्यालय सचिव अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा मुकाम, बीपीओ बंदाला, तहसील नौका, जिला बीकानेर। लगातार 30 वर्षों से गुरुजाम बेसर भगवान के सिद्धांतों 29 नियमों को मानते हुए प्रकृति व पर्यावरण वन्य जीवों का संरक्षण करते हुए लगातार वन्य जीवों की रक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। एक जी आभार वीडियो जिको आ रही है, आप समाज रजिका लॉरेंस बिश्नोई है गैंगस्टर भी, और वीडियो आ रही है कि सलमान खान अगर मुक्ति धाम मुकाम ई जगह आर माफी मांगे तो मांगा समाज का लोग और कमेटी का लोग है जी भी माफ कर दे। देखो ऐसा कोई नहीं, उनकी हो सकता कोई किसी का निजी विचार हमारे संज्ञान में नहीं है, बिल्कुल भी अपराधी अपराधी होता है, कोई भी अपराधी कहीं भी माफ करने कोई जगह नहीं, चाहे सलमान खान हो चाहे दुनिया का कोई बादशाह हो। सामंती युग में भी हमने 363 लोगों शहीद होकर के बलिदान देकर के राजाओं का घोर विरोध किया था, उस समय हमने पेड़ नहीं काटने दिया। आज कोई सलमान खान हो किसी को कोई माफ नहीं करेगा, कोर्ट उसका करेंगे निर्णय, कोर्ट का सम्मान करेंगे, किसी भी जीव प्रेमी कोई भी जीव मारने वाले को कभी नहीं बख्शेगा। ये गुरुजंबेश्वर भगवान का समाधि स्थल मुक्तिधाम मुकाम मंदिर है। सम्मत 1508 में कार्तिक द्वितीय अष्टमी के दिन गुरुजंबेश्वर भगवान ने यहाँ से 3 किलोमीटर दूर समरातल दौरा पर विष्णु पंथ का पंथ प्रवर्धन किया। और मंदिर आप बात करें तो कितने कुछ एरिया रमायना बनूड है, ये मंदिर लगभग 3-4 बीघा भूमि के अंदर बना हुआ है, और 24 हाथ नीचे गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि है जो जमीन से नीचे है, और 550 वर्ष प्राचीन है। जो अंदर का मंदिर है जो मिंगसरबद्धी नवमी के दिन गुरु महाराज अंतर ध्यान हुए थे, उनके बाद में गुरु महाराज जो लाला सरसात्री में बैकुंठ धाम पधारे थे, और लाला सरसात्री के बाद में गुरु महाराज का अंतिम समाधि स्थल मुक्ति धाम मुकाम लगाई गई समाधि, जहाँ तीर्थताड़वा नाम से शिव जी का दूना था। समाज के प्रबुद्ध जन, विद्वान, संत महात्माओं, पूजनीय ग्रामीणों ने सभी ने गुरु महाराज का पवित्र मंदिर बनाया, जो अंदर जू का त्यू अंदर बना हुआ है। अब आज आप पत्थर की बात करें तो मंदिर में पत्थर है जी को किसो लागूड़ा, जो मकराना का मार्बल लगा हुआ है पत्थर, जो ये 1986 से लेकर 1995 तक इसका नवनिर्माण बार से जीवन द्वार अखिल भारतीय विष्णु महासभा के द्वारा विष्णु रतन चौधरी भजनलाल जी, समाज के प्रभु जन, समाज के परम पूजनीय संत महात्माओं और ग्रामीण सभी के सहयोग से समाज के भामोत्सव द्वारा किया गया। जो आदमी अच्छा कर्म करता है वो अच्छा होता है, कोई भी हो, किसी के कास्ट में जन्म लेने से अच्छा नहीं होता है। मैं बिश्नोई हूँ, कर्म अच्छे है तो मैं प्रधान हूँ, हर आदमी मतलब क्या अच्छे कर्म गुरु मानकर हम कोशिश करते हैं 99% सारे आज के भौतिक चकाचौंध में कुछ 1-2% लोग थोड़े बहुत भटक चुके हैं, उनको भी समाज सुधार करने की पूरी कोशिश कर रहा है। किसी भी तरह की कोई नशा नहीं हो, इंसान सिर्फ गुरु महाराज की सुबह उठ के पूजा पाठ हवन यज्ञ वगैरह पशु पक्षियों के लिए और दाना पानी संरक्षण करे और मानव सेवा करे, ये गुरु महाराज के सिद्धांत है। आज करोड़ों रुपए खर्च के बाद में भी गुरु जामो जी के सिद्धांतों को यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार लागू करे तो मानव के कल्याण के लिए कल्याणकारी है। आप तो प्रेम क्यों करो, देखो गुरु महाराज ने सभी जीवों के लिए बिल्कुल पूर्णतया मतलब जीव दया पालने रूख लीलो ने घावे अदर जरे जीव तुम्हारे बात शुरू की पावे। उस शांति युग में 363 लोग शहीद हो गए थे, हमारी माता बहन है अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में गुरुजंबेश्वर भगवान की आरती शाह की, गुरु महाराज की 29 नियमों को गाते हुए उन्हें एक भी पौधे को नहीं काटने दिया, और आज उसके बाद में हजारों हजार हमारे विष्णु समाज की नर नारी शहीद हो गए। आज भी हम पेड़ पौधे जीव जंतु के लिए शहीद होने के लिए तैयार है। बार भी आप देखेगा कई जगह मतलब कोई कंपनियां बन रही है, अभी जगह पेड़ पौधे जगह काट रही है, जो ये भौतिक चकाचौंध में सुख सुविधाओं लिए कर रहा है ये गलत है। इसमें प्रकृति में बहुत बड़ी विकृति आएगी, जैसे महामारी ज्वालामुखी वगैरह ये जैसे हो रहा है, कोरोना वगैरह सभी ये इसकी वजह से हो रहा है। सरकारों को सोचना होगा जीव जंतु प्रकृति संतुलन के लिए पेड़ पौधों का होना जरूरी है, अन्यथा इंसान का बचना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कोरोना काल में देखा लोगों ने, एक सांस के लिए लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे, आज भी तड़प रहे हैं। अगर प्रकृति सागे और पेड़ पौधा सागे छेड़खानी अजी की करी गई तो आप कहीं कुछ करो, हम अपने प्राण त्याग देंगे गुरु महाराज के सिद्धांत को चलते हुए, मानव मात्र को बता देंगे। हमने दुबई में भी पर्यावरण संगोष्ठी की, बड़े बड़े स्तर पे हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुरुजंबेश्वर भगवान के सिद्धांतों को, मां अमृता देवी के सिद्धांतों को फैलाएंगे। प्रकृति बचाओ, पेड़ बचाओ, जीवों को बचाओ, इंसान को बचना है तो नहीं इंसान बचना मुश्किल हो जाएगा। आप जहाँ बात की दुबई में आप बार सब बड़ी मीटिंग हुई, कई चीज में लेके आप गुरुजंबो जी महाराज के प्रकृति पर्यावरण आज से 550 वर्ष पहले दिए हुए संदेश को मानव समाज तक पहुंचाना। मानव समाज अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए, स्वार्थ के लिए सब करता है। आज तक कोई भी ऐसा दुनिया में अद्वितीय उदाहरण नहीं है जो प्रकृति और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए सिद्धांत दिए हुए गुरु महाराज ने दिए।
नहीं थी आज 550 वर्ष पहले, जो सरकार उस समय लोगों को सोचने की सोच नहीं थी, अपने जीवन जीने के बारे में लोग नहीं सोचते थे उस समय, मतलब कि आदिकाल जैसे महामानव होते थे, मानव होता ही नहीं था उस समय, गुरु महाराज सिद्धांत दिए, हम उस सिद्धांत पर चलते हुए आज भी मानव का उद्धार के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। ये गुरुजन्मेश्वर भगवान की समाधि स्थल है, 1593 के दिन गुरु महाराज की समाधि लगवाई थी। आपने जो प्रतिमा दिख रही है आ कोई सजावटी या दिखाने वास्ते नहीं है, आने वाली पीढ़ी ने बताने वास्ते है कि अपारो जो समाज है वो वन्य जीव प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, और जो कांड 25 साल पहला हुए बेड़ा कांड आज वापस नहीं हुए, इन वास्ते आज जो युवा पीढ़ी है इन्हें देखते हुए सही कदम उठावे, उन वास्ते आज स्मारक बनाई है। और आज मैं कांकाणी गाँव में खड़ो हूँ जटे 1998 में हम साथ साथ नाम फिल्म री शूटिंग के दौरान सलमान खान और अन्य 4-5-7 हाथे अटे एक हिरण शिकार करियो, उन बाद में पुलिस केस हुयो और वो केस आज 25 साल हो गया अब इन्हें केस ने चालता हुआ, आज तक उन्होंने कोई अंतिम निर्णय आयो नहीं है। मारा हाथे बने उड़ा, सब्सक्राइब करना मत भूल जो सा।